तो आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है। उसमें क्या बोलती है कि एक्टिविटी है हमारी 1.7, आप वो खोल के देखेंगे बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो बोलते हैं कि उस एक्टिविटी में क्या होता है कि कोई दो गैसें निकलती है, तो एक गैस उसकी जो मात्रा होती है जो वो डबल होती है दूसरे की तुलना में। तो उन्होंने बोला कि कौन सी गैस है डबल है और क्यों डबल है, उसका नाम भी लिखो, उसके पीछे रीजन भी पूछा है उन लोगों ने। तो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे हमारे पेज नंबर जो 10 है ना, हिंदी के में पेज नंबर 11 और इंग्लिश के में पेज नंबर 10। तो उसमें सेकंड वाला क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है और उस गैस का नाम बताइए। सेम ऐसे इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है। तो जैसे हम अगर अपनी एक्टिविटी 1.7 देखते हैं, इस एक्टिविटी में होता है डीकम्पोजिशन हो रहा होता है, वियोजन। वियोजन का दूसरा नाम अपघटन। देखो अपघटन क्यों रखा गया दूसरा नाम, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले डीकम्पोजिशन इंग्लिश में थोड़ा समझते हैं होता क्या है, कितने तरीके होता है। डीकम्पोजिशन कुछ नहीं होता है कि जो चीज है हमारे पास उसका हम डीकम्पोज करते हैं, यानी कि एक कोई चीज है हम उसके दो टुकड़े करते हैं, दो या दो से ज्यादा, यानी कोई भी एक वस्तु हमारे पास उसके अलग अलग उसके भाग करते हैं दो या दो से ज्यादा, यानी कि हमने उसका क्या करते हैं डीकम्पोज कर दिया। तो इस पूरी रिएक्शन को हम डीकम्पोजिशन कह देते हैं, यानी कि और दूसरी भाषा में समझते हैं, जैसे हमारी एक रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट है वो तो सिंगल है और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो, ठीक है, टू और मोर देन टू, दो से ज्यादा। तो अब ये बहुत तरीके से हो सकता है डीकम्पोजिशन। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख देते हैं, हमारे पास सबको पता है H2O वाटर का फॉर्मूला है। अगर हम इसका डीकम्पोजिशन करेंगे, यानी कि डीकम्पोज करेंगे इसे, तो आपको पता है कि ये किस किस से मिलकर बना है, H2 से, यानी कि हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका डीकम्पोजिशन हो गया। अब डीकम्पोजिशन अपने आप तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ आप उसमें एनर्जी देंगे, किसी दूसरे अलग अलग रूप में भी दे सकते हैं एनर्जी। अब अगर डीकम्पोजिशन में आप डीकम्पोजिशन कर रहे हैं और अगर हीट दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, और अगर डीकम्पोजिशन कर रहे हैं उसे आप सनलाइट दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, और यदि डीकम्पोजिशन आप कर रहे हैं और उसे में आप इलेक्ट्रिसिटी देके कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो हमारे एक्टिविटी 1.7 में इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको। इसमें क्या होता है, वाटर लेते हैं और उसमें हम क्या कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं, एक को एनोड बना देते हैं एक को कैथोड बना देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो वाटर है जो हमारा पानी है उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से किया है तो इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन हुआ। वैद्युत अपघटन, अपघटन हिंदी में वैद्युत अपघटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने अपने ही घटकों में टूट जाता है। देखो ये H2O था, हाइड्रोजन वाला कोई ऑक्सीजन के अपने घटकों में क्या हो गया टूट गया, तो उसे बोल दिया वैद्युत अपघटन, वैद्युत के द्वारा हुआ है तो वैद्युत अपघटन बोल दिया। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, इन्होंने बोला कि पहले तो हमें ये बताओ कि जो डबल गैस है, यानी दोगुनी जो गैस निकल रही है इसमें, उसमें आप देख रहे हैं दो आपको पाइप दिख रहे हैं, तो इसमें होता क्या, एक गैस डबल निकल रही है और एक गैस उसकी मात्रा में मतलब सिंगल है, ऐसे मान लो दुगनी है दूसरी वाली गैस। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमने इसका डीकम्पोजिशन किया वाटर का, वाटर का फॉर्मूला हम जानते हैं H2O होता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे ये हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है, ऑक्सीजन गैस अलग हो रही है, अब गैस तो इसी से बनेगी ना, इसी से बन रहा है क्योंकि इसी का डीकम्पोजिशन हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो एक ऑक्सीजन होता है उससे दो दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए होते हैं, दो मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन के जुड़े हुए होते हैं। अब जब भी ये अलग होगा, आपको पता है कि इसका डीकम्पोजिशन होगा, तो हमेशा क्या होगा हाइड्रोजन गैस है वो दुगनी निकलेगी ऑक्सीजन की तुलना में, क्योंकि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा तब जाकर उसके कितने हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल होंगे दो। तो अब इसका डीकम्पोजिशन हो तो निकलने वाली गैस भी जो हाइड्रोजन होगी क्या होगी दुगनी होगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस के अगर कितने दो मॉलिक्यूल हमारे पास दो एटम है तो ऑक्सीजन का कितना होगा एक होगा। अब जब इससे गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस तो वो दुगनी निकलेगी।